कहीं पढ़ा था कि हर व्यक्ति के 100 भाग्य होते हैं, पर उन 100 भाग्यों में से जब एक भाग्य अच्छा होता है तब उनके घर में लड़के का जन्म होता है, और जब 100 के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब उनके घर में एक लड़की का जन्म होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि लड़का तो भाग्य से होता है लेकिन लड़की 100 भाग्य से होती है। पराया धन होकर भी कभी भी पराई नहीं होती है। शायद इसीलिए किसी बाप से हंसकर अपनी बेटी की विदाई नहीं होती है। अगर परवरदिगार ने आपको भी लड़की से नवाजा है तो आशा है कि आप भी खुद को 100 भाग्य वाले समझते हैं, क्योंकि इस देश में अभी भी हमें बेटियों के लिए बहुत कुछ करना है। तो आओ मिलकर इस देश को, इस दुनिया को अपनी बेटियों के लिए एक और बेहतर जगह बनाएं। धन्यवाद।